आतंक के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई को कई लोगों ने जारी रखा है, मगर इन सब में एक शख्स ऐसा है जिसने आतंक के खात्मे की मुहिम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत एमएस बिट्टा से बातचीत करेंगे। एमएस बिट्टा वर्तमान में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल एमएस बिट्टा राजनीति से अलग देश के लिए शहीद जवानों के परिवारों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे, आप देख रहे हैं IMT न्यूज। आतंकवाद से लोहा लेने वाले लोगों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उनमें से एक है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा। आज हमारे साथ में है एमएस बिट्टा जी। देश के कई मुद्दों से लेकर के उनसे आज हम चर्चा करेंगे। इस दौरान देश की दिशा और दशा के बारे में आपको रोचक जानकारी मिलेगी। एमएस बिट्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की जो आप पहले राजनीति में थे, तो पहले की राजनीति और वर्तमान की राजनीति में क्या अंतर है? आजादी से पहले की राजनीति और आजादी के कुछ समय बाद की राजनीति, सरदार पटेल जी तक, लाल बहादुर शास्त्री जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीति टोटल सेकुलरिज्म के ऊपर राजनीति होती थी, देश को एक करने की राजनीति होती थी, राष्ट्र की आजादी की रक्षा की राजनीति होती थी, आपस में भाईचारे की राजनीति होती थी, बहुत अच्छी राजनीति थी। और वो राजनीति जो है वो देश को जोड़ने का काम करती थी। आज मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, पर हमारी पॉलिटिक्स वोट बैंक कुर्सी सत्ता के खातर इतनी नीचे तक हमारी राजनीति में गिरावट आ गई कि हमारा जो एक धर्म के अंदर ही कितने बंटवारे हो गए और आगे बंटवारे होते जा रहे, तो आने वाले वक्त के अंदर अगर इस तरीके से राजनीति वोट बैंक और कुर्सी सत्ता की राजनीति, छोटा और बड़ा, तो छोटा है मैं बड़ा हूं, तेरी कास्ट छोटी है मेरी कास्ट बड़ी है, ये बहुत आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक आने वाले वक्त के अंदर ये दिशा लेगी अगर इस तरीके से चलती रही। बड़ा फर्क आ गया। हमारा जो सोच होनी चाहिए, प्रथम राष्ट्र मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम, कास्ट धर्म में जो है वो तो है, वो भगवान ने बनाया हमें, पर हम ऐसा काम ना करें कि हम लोगों में आपस में दीवारें खड़ी हों। सर, आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं तो आतंकवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? आज आतंकवादियों को गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है। अगर हमारे जवान 40 शहीद होते हैं तो पाकिस्तान में घुस करके उनको मार के हमारे जवान आते हैं, आज गोली का जवाब गोली है। ठीक है, हमारे जवानों की शहादत बहुत हो रही है, मैं मानता हूं, पर आज हमारा कंप्रोमाइज नहीं, हमारी फोर्सेज आज कंप्रोमाइज नहीं करती है, ये सबसे बड़ी बात। सर, आपने AITF को शुरू किया था, तो उस समय शुरू करते समय आपके दिलो दिमाग में आतंकवाद को लेकर के क्या छवि थी? राजनीति में हम ये काम को किया था नरसिम्हा राव जी के टाइम के वक्त, राजीव जी के टाइम के वक्त, पर हमारा मकसद है कि स्टूडेंट को जगाया जाए इसमें सबसे ज्यादा। सर, कोई आतंकवाद का कोई धर्म भी होता है क्या? ना, मैंने बताया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी है, रूप कई हो जाते हैं, कोई आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से ISI से होता है, कोई आतंकवाद नक्सलिज्म का होता है, को आतंकवाद ऐसा भी है जो फिरका प्रस्ती का भी आतंकवाद होता है, आपस को तोड़ने का आतंकवाद भी, उसको भी एक आतंकवाद का रूप ही दे सकते हैं जो हमारे राष्ट्र को जोड़े कम और तोड़े ज्यादा। अगर हम टूट जाते हैं तो हमारा राष्ट्र भी तो टूटता है ना, हमने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सबने अपना योगदान दिया है, कोई मजहब कोई धर्म हो, तो उसकी आजादी की रक्षा तभी है कि हम एक रहे। बिट्टा जी, आतंकवाद को खत्म करने को लेकर कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? बिल्कुल, अभी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, गोली का जवाब गोली है, वो दिया जा रहा है। सर, जब आप कांग्रेस सरकार में थे तब आपकी सुरक्षा हटा दी गई थी, अब मोदी सरकार आए आपको सुरक्षा मिली? नहीं नहीं, मेरी न मेरी कभी नहीं हटाई, ना मोदी जी ने कहा ना पहले वाला, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये थोड़ा बहुत चल समय के लिए ना, मेरा मोदी जी से तलक क्या, कांग्रेस से इसमें क्या तलक, मोदी जी के मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा मेल मिलाप है, कौन सी सुरक्षा कौन सी बातें, सुरक्षा देना जो है, मेरे शरीरों के ऊपर बम खाए हैं, 14 बार हमले चले हैं, आतंकवादियों के हिट लिस्ट में हूं, ये सरकारों का फर्ज है, ये गवर्नमेंट का फर्ज है, कोई सरकार आए जाए मैं गुलाम धरती में हूं, इसका मतलब अगर कोई हटाता है कोई देता है तो फिर गुलाम गुलाम की बात तो मेरी सच होगी ना, हम किसी को कहते हैं ना हम किसी को तरले मारते हैं,
जिसने हटानी हटाई, जिसने देनी दे रहे। हमारा केस जनमन केस उसमें क्या है? अगर आज ये मायावती और अखिलेश यादव और सब लिए फिरते हैं तो सर भिट्टे के पास सुरक्षा की किसी को क्या तकलीफ है भाई? मैं मंत्री नहीं हूं, मैं सीएम नहीं हूं, या मैं सीएम नहीं हूं। मेरा मकसद राष्ट्र है, मेरा मकसद देश है। ये सुरक्षा मेरे लिए नहीं है, ये सुरक्षा मेरे साथ और जिंदगियां ना उजड़े, किसी और का नुकसान ना उनके लिए। सर 2001 में आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीति छोड़ के पूर्ण रूप से समाज सेवा में आ जाना चाहिए? नहीं, मैं पहले भी राजनीति में पहले भी था, आज भी राजनीति में हूँ। राजनीति से मैं दूर नहीं हूँ। मेरी राजनीति कुर्सी सत्ता के बगैर है। जो मेरा मिशन बचपन में था, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, मेरी प्रथम राष्ट्र के लिए राजनीति है। लोग राजनीति देशभक्ति कह के राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। मैं जितनी देर पॉलिटिक्स में रहा, एक्टिव रहा, मैंने राजनीति को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल, देशभक्ति में इस्तेमाल किया। मैंने राजनीति का देशभक्ति के नाम पे गलत फायदा नहीं लिया। सर कारगिल युद्ध और संसद में जो हमला हुआ, उससे व्यक्तिगत रूप से आप पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा। उसमें जो परिवारों का अपमान होता था या उनको उनकी बॉडी की कीमत जो शहीद हो जाता था, 70,000 लगाई जाती थी। फिर मैंने संघर्ष किया, सरकार 70,000 देती थी, हम उस वक्त 5-5 लाख, कहीं 2-2 लाख, हम सरकारों से कई गुना ज्यादा देते थे। हम पैसे नहीं देते थे, बॉडी की कीमत नहीं लगाते थे, हम सरकारों को जगाते थे, पब्लिक को जगाते थे। आज भगवान की कृपा है कि जो संघर्ष हमने किया, आज सबको, किसी को 1 करोड़ रुपया मिलता है, किसी को 50,000 मिलता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट 1 करोड़ देती, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट देती, बच्चों को नौकरी मिलती, उनकी शादियां होती, उनको घर होते, उनके लिए एजुकेशन फ्री होती। तो जो हमारा संघर्ष था, उस संघर्ष के अंदर हमें एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा से प्राप्ति मिली है। सर आतंकवाद को लेकर के भारत की इस समय जो नीति है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आतंकवाद के खिलाफ अब पॉलिसी बहुत अच्छी है। ये पॉलिसी अगर पहली सरकारों में भी अपनाई होती तो आज आतंकवाद इतना पनपता ना। आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल के अंदर दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद कोई हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट, गोली, कहीं दिल्ली ब्लास्ट, कहीं 26/11, कभी पार्लियामेंट का हमला, कोई नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी जो टेररिज्म के खिलाफ, बाकी में लेना देना नहीं कुछ, टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। एक गोली चलेगी, 100 गोली का जवाब दिया जाएगा। सर कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35 को हटाने की बात चल रही है, इसे आप कैसा देखते हैं? ये कि 370 धारा हटनी चाहिए, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जब 370 धारा हटेगी सबसे पहले जमीन मैं जाके खरीदूंगा, अपना घर वहीं बनाऊंगा। सर आप कांग्रेस के इतने दिन तक रहे, आपने इस धारा को हटवाने की पहल क्यों नहीं की? सर क्या आप इतने दिन तक कांग्रेस में रहे तो उस समय धारा 370 और अनुच्छेद 35 हटाने की पहल आपने क्यों नहीं की? उस समय तो आप कर सकते थे। देखो ऐसा है कि मैं इतनी पावर में नहीं था कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो था नहीं कि सिग्नेचर करता 370 धारा हट जाए। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इतनी मजबूर सरकार नहीं हटा सकी, तो मैं को उस वक्त इतनी पावर में तो था नहीं। तो सवाल यह है कि अब जो वक्त है 370 धारा को हटाने का आ चुका है। सर एक आखिरी प्रश्न हमारा, खालिस्तान को लेकर के वैश्विक स्तर पर राजनीति हो रही है, सर सभी लोग अपना अपना राग लापते हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? खालिस्तान न बना था, न बनने दिया और न कभी बनेगा। जब भी बनेगा पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर के चले जाएगा। पंजाब हिन्दुस्तान का हिस्सा है, हिन्दुस्तान का हिस्सा रहेगा, और हिन्दुस्तान एक है, वो एक ही रहेगा।